ओहो, पीछे से रोहित भाई आ गए हैं यहाँ पर। और रोहित भाई का जलवा देखिए। किस इंडियन प्लेयर से बचकर रहना चाहिए? किसी यार से भी ये सूर्यवंशी जो है। सूर्यवंशी नाम है ना, क्या नाम? सूर्य कुमार यादव को सूर्यवंशी बता दिया इन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार। क्रिकेट के मैचेस में आ गई है शान, क्योंकि इंडिया से भिड़ने वाला है पाकिस्तान। और मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी हैं। सर, मौका पर तो आपने चौका मार दिया पिछली बार, लेकिन इस बार क्या होने वाला है ये बताओ। चक्का मारेंगे सर। अरे यार, आप रिकॉर्ड तो देख लो यार, ग्राउंड से बाहर चक्का जाएगा। अच्छा? रिकॉर्ड की तो बात ही ना करो मेरे दोस्त, रिकॉर्ड तो अभी भी उठा लो, ओडीआई का, टी20 का। पाकिस्तान, तो चलो टी20 का रिकॉर्ड उठा लेते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन टी20, क्या रिकॉर्ड है? अभी शुरू हुआ है ना टी20, अभी शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है। तो 10 साल कुछ नहीं होते। ODI के नंबर लाओ, ODI में हम अभी भी बाप हैं। अरे यार, 25 साल पुरानी कहानी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला है, उसमें मुझे एक बार बताओ, ऐसा क्यों होने लगा है पाकिस्तानी फैंस के साथ कि एक बार आप पिछली बार जीते दुबई में और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हर बार ही हरा देंगे? दो जीत के, चार में से। तो फिर ये तो टाई हो गया ना मेरे भाई। सही है, अभी आ जाओ, एक और थिंग है ना, 1 महीने बाद एक और मैच। अभी जीतने के लिए आए हैं। पर आप मुझे बताओ कि क्या मतलब, लोग बोल रहे थे कि शाहीन अफरीदी, तो यार इंजर्ड होकर बैठ गए साइड में। बस भर के आ रही है बॉलर्स की। अरे सर, बॉलर्स के पास लाओ यार, इसी तरीके से तो जाती है सर, उसके बाद मैच के बाद चली जाती है। बस हमारे स्क्वाड है, पाकिस्तान जीतेगा। बाबर और रिजवान पिछाएंगे इनको सर, हर बार थोड़ी तुक्का चल जाएगा। यही कह रहे थे, हर बार तुक्का थोड़ी चल जाएगा। यही कह रहे थे। और कैसे बिछाया इनको, आईसीसी चैंपियन में कैसे छेड़ा इनको सर। ट्रॉफी तो तब भी नहीं जीती इंडिया, ट्रॉफी तो इंडिया का मीडिया इस टाइम घरों में गया ही नहीं है। उस रात घरों में अपने गया ही नहीं है। छोड़े सर, लास्ट टाइम जब तक इनको बस सर, यही तो दिक्कत है मेरे भाई, यही तो एक मैच जीतने के बाद इतना माहौल बना देते हैं। हर बार यही कहते हैं, अभी दो बाकी हैं, हो जाएगा। अच्छा चलो, एशिया कप में आप मेरे को ये बताओ कि एशिया कप में ये जो मुकाबला है, और कहा जा रहा है कि अगर सब चीजें बढ़िया तरीके से गई तो इस एशिया कप में 3 बार इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जो कि हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। पर सेंटिमेंट्स असाइड, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम को किस इंडियन प्लेयर से बचकर रहना चाहिए? किसी यार से भी ये सूर्यवंशी जो है, सूर्यवंशी नाम है ना, क्या नाम? सूर्य कुमार यादव को सूर्यवंशी बता दिया इन्होंने। अच्छा, मैं समझा सूर्यवंशी है यार। हाँ। चारों तरफ मारते हैं, उससे फट रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ। बाकी जो है वो तो सब अपनी ही है। नहीं यार, वो उसके लिए हमारा वो नसीम शाह ही है। वो पांट जो है वो छोटा नसीम शाह बिठा देगा। पांट आता है यूं करके मार देता है, उससे डर लग रहा है बस नसीम शाह। और बॉलिंग कमजोर नहीं लग रही? मतलब दो आपके की प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं। बोल रहा हूँ, बस भर के आ रही है, अभी सबर करो, एक पूरी बस आएगी बॉलर्स की। आज नसीम, आज उसका शाहीन का लास्ट टेस्ट है आज। अगर वो इंशाल्लाह आज क्लियर करता है, 80% चांसेस है, उसने अपने आप को फिट करार दिया है। अगर वो होता है तो कल के मैच में शाहीन इन होगा। नहीं सर, ये तो खैर ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये वाली फेक न्यूज है। शाहीन नहीं है, ना शाहीन है ना बुमराह है। पर आपको लगता है कि फिर भी आपकी स्पिन तो कमजोर मानोगे इंडिया से? अरे यार, ये तो कुछ मान ही नहीं रहे हैं। कौन सी कमजोरियत भाई, आपको कौन सी बढ़िया स्पिनर है आपके पास? क्या अश्विन तो मेरे ख्याल से कोच की उम्र का बंदा है। आप अश्विन को तो नहीं खिला रहे इस दफा फिर से? अश्विन खेल रहे हैं क्या? ऐसी बातें कर रहे हैं यार अश्विन अभी। अच्छा, चहल तो खेल रहे हैं। आप मुझे ये तो बताओ कि चहल के आपका कैलिवर का आपके पास कौन सा स्पिनर है? चहल तो वो डांस करता है, वो क्या बुगी बुगी से आया था ना, वो उसका ऑडिशन कहाँ से हुआ था? ऑडिशन करके आया था या वो प्रैक्टिस करके आया था, कैसे आया था चहल? काफी सारे विकेट लेकर आया था, और मुझे ऐसा लगता है कल टिकटॉक की तरह डांस पाकिस्तानियों को कराने वाला है चहल। पाकिस्तान के प्लेयर्स कह रहे थे कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के जो यहाँ पर फैंस थे, रोहित शर्मा सबके लिए एक सुपरस्टार है। आपको, आप मुझे वैसे बताओ, इंडियन प्लेयर्स में आपको सबसे ज्यादा स्टाइलिश पूरे 11 में? विराट कोहली की बैटिंग के फैन हो मतलब अभी इस टाइम पर? पूरे सब कॉन्टिनेंट भाई, सारे स्पोर्ट्स हटा दो, विराट कोहली जैसा है ही नहीं कोई स्टार। और विराट कोहली की फॉर्म काफी टाइम से खराब चल रही है, और हम सब लोग चाहते हैं एक इनिंग चाहिए, वो आ जाएगा। और अगर वो इनिंग कल ही आ गई तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा एज अ पाकिस्तानी फैन, बहुत अच्छा लगेगा अगर विराट कोहली की जो फॉर्म है वो वापस आ जाए।
तो चलिए, यहाँ पर माहौल बहुत बढ़िया है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के फैंस हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोग उम्मीद कर रहे हैं एक बढ़िया मैच की, विराट कोहली के फॉर्म में वापस आने की। और अगर विराट कोहली फॉर्म में आते हैं और जिस तरीके से बाबर और रिजवान ने लास्ट टाइम फॉर्म दिखाई थी, मैच बहुत बढ़िया होने वाला है। और बात बोलना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ विराट कोहली मारे, क्योंकि बाबर और रिजवान को वरना वो आउट ही नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का एक आउट हो, दो आउट हो, लास्ट टाइम की तरह बोरिंग मैच नहीं चाहिए यार, कि 10-10 विकेटों से जीत जाए। हम चाहते हैं कि यार इतना रन तो मारे इंडिया के, यार पाकिस्तान के वन डाउन एक्सपोज हो, टू डाउन। आप लोगों को पता चले वर्ल्ड कप में क्या होगा, एक मैच खेलने के बाद काफ़ी एनर्जी आ जाती है लोगों में, वो कई कई बार हो जाता है। लेकिन एशिया कप का मैच यहाँ पर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान एक बार नहीं होगा, अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि 3 बार हो इस बार एशिया कप में। देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच किस तरीके से होगा। पाकिस्तानी फैंस यहाँ पर हैं, इंडियन फैंस यहाँ पर हैं। अनकट के लिए नलायक पत्रकार लगातार दुबई से कवरेज लेकर आते रहेगा, बने रहिए अनकट पर।